इंश्योरेंस की 1 करोड़ की रकम हासिल करने के लिए एक शख्स मौत का एक ऐसा गजब खेल खेलता है कि तमिलनाडु पुलिस भी चकरा जाती है। जिस आदमी की कथित लाश को उसकी मां ने अपने बेटे के तौर पर उसकी पहचान की थी, वो जिंदा निकला। छल और फरेब की परतें पुलिस ने खोली तो शातिर कातिल के बारे में जो कुछ भी पता चला उसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित टाइम्स का खास कार्यक्रम क्राइम कवरेज। दोस्त से दगाबाजी और शातिराना प्लानिंग की कहानी चेन्नई के दक्षिण में बसे चेंगलपेट के अल्लानूर गांव से शुरू हुई। गांव की आबादी ज़्यादा नहीं है, इसलिए घर भी एक दूसरे से दूर बने हुए हैं। ऐसी ही एक झोपड़ी में फिजिकल ट्रेनर सुरेश आर भी रहता था। 38 साल का सुरेश आर कुछ दिन पहले ही चेन्नई से अपने गांव अल्लानूर लौटा था। 16 सितंबर 2023 को उसकी झोपड़ी में आग लग गई। पुलिस ने जली हुई झोपड़ी से एक पुरुष की जली हुई बॉडी को बरामद किया। सुरेश की मां ने शव की पहचान अपने बेटे के तौर पर की। पुलिस ने भी इसे आग लगने की घटना मानकर फाइल बंद कर दी। औराथी पुलिस स्टेशन के अफसरों ने मान लिया था कि झोपड़ी में लगी आग से अपनी मां से अलग रहने वाले सुरेश की मौत हो चुकी है। करीब 3 महीने बाद दिसंबर में इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। तमिलनाडु में एन्नोर थाने की पुलिस 39 साल के दिल्ली बाबू की गुमशुदगी की जांच कर रही थी। दिल्ली बाबू सुरेश की कथित मौत से 1 सप्ताह पहले संदिग्ध हालत में गायब हो गया था। 23 सितंबर को एन्नोर थाने में परिजनों ने दिल्ली बाबू के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद जब दिल्ली बाबू का अता पता नहीं चला तो उसके परिजन शिकायत लेकर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचे और कोर्ट में बात भी दायर कर दिया। इसके बाद एन्नोर पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। पुलिस ने दिल्ली बाबू के बड़े भाई पलानी से पूछताछ की। पलानी ने पुलिस को बताया कि उसके भाई की दोस्ती अल्लानूर में रहने वाले सुरेश आर से थी। गायब होने से पहले वो अक्सर सुरेश के साथ घूमता था। चेंगलपेट में अचार पक्कम पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर आर शिव कुमार ने बताया कि पलानी के बयान के बाद जांच सुरेश की और मुड़ी, जिसकी कथित तौर पर झोपड़ी में आग लगने से मौत हो गई थी। पुलिस को सबसे बड़ा क्लू उस समय हाथ लगा जब दिल्ली बाबू के मोबाइल फ़ोन की लास्ट लोकेशन सुरेश की झोपड़ी के पास अल्लानूर गांव में मिली। इसके बाद से पुलिस सुरेश और दिल्ली बाबू के रिश्ते को खंगालने लगी। कई लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान ये सामने आया कि झोपड़ी वाले हादसे के दौरान सुरेश को 3 लोगों के साथ देखा गया था। उनमें से एक की पहचान हरिकृष्णन के तौर पर हुई। अब पुलिस हरिकृष्णन के पीछे लग जाती है। पुलिस की टीम हरिकृष्णन की तलाश में बेल्लौर पहुंचती है। बेल्लौर में हरिकृष्णन के पिता पुलिस को बताते हैं कि वो कई हफ्तों से घर नहीं आया है। पुलिस उनसे हरिकृष्णन का मोबाइल नंबर हासिल कर लेती है और फिर उसे ट्रेस करती है। फ़ोन नंबर को ट्रेस करते हुए पुलिस की टीम हरिकृष्णन की तलाश में बेल्लौर के पास ओराकोडम के एक घर में पहुँच जाती है। वहाँ जब पुलिस की हरिकृष्णन को दबोचने के लिए दरवाज़ा खुलवाती है तो सामने जो होता है उससे पुलिस भी हैरान रह जाती है। वहाँ उनको सुरेश मिल जाता है, वो भी जिंदा, जिसकी मौत झोपड़ी वाले हादसे में हो चुकी थी। अब पुलिस सुरेश और हरिकृष्णन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। अब बारी दोनों से पूछताछ की थी। जब पुलिस ने सुरेश का मुँह खुलवाया तो दिल्ली बाबू की गुमशुदगी से भी पर्दा उठ जाता है। झोपड़ी में जलकर मरने वाला दिल्ली बाबू ही था जिसे सुरेश अपनी लंबी प्लानिंग के बाद अपने साथ ले गया था। सुरेश ने अपने 2 दोस्तों हरिकृष्णन और कीर्ति राजन के साथ उसकी हत्या की थी। कीर्ति राजन बेल्लौर में टैक्सी चलाता था। सुरेश ने पुलिस को बताया कि उसने 1 करोड़ का जीवन बीमा कराया था। अपने लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम के तौर पर पिछले 2 साल में 50,000 रुपये जमा उसने किए थे। वो इंश्योरेंस की कंपनी से मोटी रकम हासिल करना चाहता था, इसके लिए उसने अपनी मौत की स्क्रिप्ट लिखी। इंश्योरेंस कंपनी की तसल्ली के लिए उसने एक लाश की उसको ज़रूरत थी। इसके लिए उसने पहले लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करने वाले संस्थाओं से उसने बातचीत की, मगर जब काम नहीं बना इस बीच उसकी मुलाकात उसके अपने एक पुराने दोस्त दिल्ली बाबू से हुई। दिल्ली बाबू 10 साल पहले अपने परिवार के साथ सुरेश के मकान में बतौर किराएदार रहता था। सुरेश को वो
शख्स मिल गया जिसकी हत्या के बाद पुलिस और इंश्योरेंस कंपनी को गुमराह किया जा सकता था। सुरेश ने प्लानिंग के तहत फिर से बाबू से मेलजोड़ बनाना शुरू किया। दोनों एक दशक बाद फिर एक दूसरे के घर आने जाने लगे। फिर उसने हत्या की साजिश रची। अपनी प्लानिंग में उसने हरिकृष्णन और टैक्सी ड्राइवर कीर्ति राजन को शामिल किया। 9 सितंबर को तीनों ने मिलकर हत्या की स्क्रिप्ट लिखी थी। प्लानिंग के तहत 15 सितंबर 2023 की शाम को तीनों पार्टी करने के नाम पर दिल्ली बाबू को धोखे से अपनी झोपड़ी में ले आए। वहां उन्होंने बाबू को जमकर शराब पिलाई। जब बाबू नशे में मदहोश हो गया तो तीनों ने मिलकर जनरेटर के तार से उसका गला घोंट दिया। बाबू की मौत के बाद सुरेश ने अपनी झोपड़ी में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी और तीनों वहां से चलते बने। सुरेश की मां ने शव की पहचान अपने बेटे के तौर पर की तो उन्हें लगा कि प्लान सक्सेस हो गया है, मगर नियति को कुछ और मंजूर था। पुलिस ने टैक्सी ड्राइवर राजन, हरिकृष्णन और सुरेश आर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की क्राइम कवरेज, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही अगले हफ्ते आप क्राइम कवरेज में किस टॉपिक पर कहानी सुनना चाहते हैं वो टॉपिक आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बता सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस क्राइम कवरेज में इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जनहित टाइम्स को। जय हिंद।